हेलो स्टूडेंट्स वेरी वेरी स्पेशल गुड आफ्टरनून मैं आप सभी की रीजनिंग मेंटर रितिका तोमर आज हम लोग करने वाले हैं फिगर्स एक मिनट में एक फिगर को सॉल्व करेंगे उससे भी कम कुछ सेकंड्स में सॉल्व हो जाएगा बट आज मैं आप लोगों को सेवन ऐसे फिगर्स बताने जा रही हूँ फिगर काउंटिंग के ये सवाल ये क्वेश्चन जो आप लोगों के बार बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं ठीक है तो इसका सोल्यूशन आप लोग को मिलेगा यहाँ पर प्रॉपर सोल्यूशन वीडियो को लाइक like, शेयर जरूर कर दीजिएगा ठीक है सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चे इस क्वेश्चन को ठीक है तो इस तरीके का जब भी आप लोग के पास ट्राइंगल आएगा आप लोग को उसे कैसे सॉल्व करना है वो समझिए ठीक है आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना है कि ट्राइंगल आप लोगों से जब भी पूछा जाए आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके ट्राइंगल के जब इस तरीके के कुछ पार्ट्स होते हैं ट्राइंगल को कुछ बाइसेक्ट करती हैं लाइंस तो उसके जितने भी पार्ट होते हैं जैसे पहला भाग दूसरा भाग तीसरा और चौथा पार्ट उसको हम लोग सब ऐड कर देते हैं ठीक है तो अगर हम लोगों ने इसको ऐड किया तो टेन आया बस इसी बेस पर हमें ये क्वेश्चन का आंसर करना होता है तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर निकालने जाएंगे तो वन टू थ्री फोर दस हमें यहाँ पे मिलेगा और दस हमें नीचे वाले बेस से मिलेगा वन टू थ्री फोर तो कुल मिलाकर हमारे पास यहाँ टेन और टेन और टेन दोनों को एड करके हमारे पास यहाँ जो आंसर आएगा वो आएगा ट्वेंटी तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर क्या दे सकते हो ट्वेंटी कई बार आपके एस के रेलवे के एग्जाम्स में ये सवाल पूछे जाते हैं ठीक है नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट अब ये क्वेश्चन दिस इज द इक्विबिर डायग्राम ये आप लोग का काियम जो है क्वेश्चन है इसी तरीके का ये सवाल रहेगा इसका कॉन्सेप्ट यही होता है कि आपका जो ट्राइंगल होता है ना कॉन्सेप्ट होता है उसको सामने करती है जितने इस तरफ उतने ही इस तरफ लाइन कर रही तो आपको सिर्फ ये काउंट करना है कि कितने पार्ट हो रहे हैं एक साइड में गिनो या दूसरे साइड पे गिन लो ठीक है कितने पार्ट हो रहे हैं तो आप लोगों ने अगर देखा यहाँ पे पार्ट हो रहे हैं वन टू थ्री पार्ट यानी कि कितने टुकड़ों में कट रहा है ट्राइंगल वन

डिवाइड हो उत, उतने पार्ट का आपको क्या कर लेना है क्यूब कर लेना है ठीक है तो आप इसमें क्यूब कर सकते हो ठीक अब अगर हम लोग इसी तरीके का अगला क्वेश्चन करें इसका आंसर ट्वेंटी सेवन आया थ्री आया तो थ्री का क्यूब कर दिया अब मान लो इसी तरीके के सेम क्वेश्चन आपका ये वाला आ गया है अगला क्वेश्चन तो इसको कैसे सॉल्व करोगे जितने पार्ट है वही मैंने बताया ना टू थ्री फोर जितने भी पार्ट है उसका आप लोगों को क्या करना है क्यूब करना है यहाँ पर चार पार्ट आ गए तो चार का क्यूब कर दो का क्यूब बराबर कितना होता है सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर आंसर हो जाएगा मतलब ये जो क्वेश्चन इसकी ट्रिक आपको जो मिली है वो विद विदिन टेन सवाल आएगा हमेशा इक्विलिब्रियम फॉलो करेगा इस तरफ भी गिनोगे तो भी सेम उस तरफ भी भी गिनोगे तो सेम ठीक है एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे पे पूछेगा आप लोगों से मिनिमम पंक्तियों की यानी स्ट्रेट लाइंस की संख्या कितनी है तो यहाँ पे आप लोग बड़े आराम से निकाल सकते हो ठीक है स्ट्रेट लाइन की बात अगर हम करें तो जो पहले पॉइंट से आखिरी पॉइंट तक जाती है वही आपकी स्ट्रेट लाइन होती है चार आपकी वाली से से देखेंगे तो बीच में में इस इस तरफ से पांच आएंगे आपकी निकल कर। आपकी इस पांच ये आपकी और डायरेक्शन भी ठीक है तो आपकी कुल मिलाकर यहां पर चार पहले हो गई थी पांच और पांच यानी कि दस मतलब कुल मिलाकर फोर्टीन स्ट्रेट लाइन यहां पर निकल के आएंगी स्ट्रेट लाइंस आप हमेशा ऐसे ही काउंट करोगे क्योंकि स्ट्रेट लाइंस जो होती है वो पहले पॉइंट से आखिरी पॉइंट तक जो जा रही है

पांच है ना यहां भी बेस पर देख लो कितने क्यूब में पांच चाहे उधर साइड पे करो चाहे इधर साइड पे पांच तो आपको लिखना क्या है यहां पे पांच है तो पांच लिखो छह होता तो छह लिखते पांच लिख लीजिए आप ठीक है छह होता तो छह लिखते अब क्या करिए उल्टा कर लीजिए 5 4 3 2 1 उल्टा कर लो सीधा भी करो उल्टा भी करो ठीक है सीधे भी लिखो काउंटिंग उल्टी भी लिखो सीधी पांच, पांच लिखी फिर उल्टी भी हम लोगों ने लिख दी क्या करेंगे जो आप लोग का आंसर आएगा वो यहाँ पर थर्टी फाइव निकल कर आएगा ठीक है तो फाइनल आंसर जो होगा आपको वो थर्टी फाइव निकल कर आएगा इसी तरीके का ट्रिक आप सेम लगा सकते हो पैंतीस के बाद इस वाले क्वेश्चन पे सेम दिख रहा है ना थोड़ा सा बड़ा हो गया अब आप चेक कर सकते हो बेस पे कितने क्यूब्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो जैसे कि मैंने आप लोगों को तरीका बताया कि आप लिखोगे सीधा सीधा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है इस, फिर यहाँ पे लिखोगे सिक्स फाइव उल्टा लिखोगे फोर थ्री टू वन मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा एड करने पर फाइनल आंसर मिल हमें और देखना है यहाँ पे है ना तो यहाँ के फिगर में अभी मैंने आप लोगों को बताया था जब आप इस तरीके का ट्राइंगल देखते हो तो आप वहां पे क्या करते हो एडअप कर लेते हो यानी तीन ट्राइंगल्स आपको यहाँ से मिलेंगे लेकिन अंदर जब आप स्क्वायर को काउंट करोगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यानी जितने भी नंबर ऑफ पार्ट है उसका मल्टीप्लाई दो के साथ करना पड़ेगा तो सिक्स है ना सिक्स का इंटू टू से कर दिया तो यहां से हमें ट्वेल्व मिलेगा यहाँ पे तीन है तो तीन हमें यहां से भी तीन हमें यहां से भी और तीन हमें यहाँ से माने फिर से हमें ट्वेल्व मिल गया चौबीस आया चौबीस के बाद अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे हिडन ट्राइंगल्स निकालेंगे जैसे कि ये आपका बनेगा वन ये बनेगा आपका टू ये बनेगा आपका थ्री ये बनेगा आपका फोर तो यहाँ पे हिडन आपके पास चार निकल कर आ गए तो को क्लियरली समझ में आ गए होंगे ठीक है आगे भी भाई आप मेरे साथ रितिका मैम के साथ जुड़े रहेंगे तो रीजनिंग में बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स में आप लोगों को हर हफ्ते या हर दिन कुछ ना कुछ नई नई ट्रिक्स बताते जाऊंगी थैंक यू सो मच